नमस्कार दोस्तों, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। मेरा नाम है सुंदरदीप सिंह और दोस्तों आज मैं आपसे चर्चा करना चाहता था जो मैंने इकोनॉमिक टाइम्स पे आरसी भार्गवा जो कि मारुति सुजुकी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जिन्होंने चर्चा की है कि अगर 6 एयरबैग्स वाला रूल अनिवार्य हो जाएगा, जो कि हो जाएगा डेफिनेटली मुझे लगता है इस साल के एंड तक, तो हो सकता है उनको, और वो काफ़ी इस चीज़ को लेके आई से के श्योर भी हैं कि उनको अपनी जो एंट्री लेवल कार्स हैं जैसे एस्प्रेसो और ऑल्टो वो बंद करनी पड़े। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ पहले इस चीज़ पे डिस्कस करने से पहले कि कुछ सेगमेंट्स होते हैं गाड़ियों के जिसमें ये जो गाड़ियाँ हैं क्विड, एस्प्रेसो, सेंट्रो, ये सेगमेंट जो होता है दोस्तों ये होता है ए सेगमेंट, और इसकी सेल्स जो है अप्रैल में जैसे आप मान के चलिए कि 3 लाख गाड़ियां बिकती हैं पर मंथ इंडिया में, तो ए सेगमेंट जो है वो 10% के आसपास गाड़ियां बिकती हैं। तो ये तो एक वैसे अच्छी बात भी है क्योंकि मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, बट जो इससे ऊपर वाले सेगमेंट हैं जिसमें B1 जिसमें आ जाती हैं गाड़ियाँ सिलेरियो वैगनर जैसी, उसके बाद B2 जिसमें बेलिनो, स्विफ्ट, I20 जैसी गाड़ियाँ आ जाती हैं, और C1 सेगमेंट में आ जाती हैं दोस्तों अंडर 4 मीटर SUVs जिसमें अमेज, XUV300, नेक्सॉन, वेन्यू, उसके बाद फिर ऊपर C2 सेगमेंट में क्रेटा, सेल्टॉस, स्लाविया, होंडा सिटी जैसी गाड़ियां आ जाती हैं। तो ये मैं आपके साथ चार्ट शेयर करता हूं जिसमें आप देख सकते हैं कि सेल्स की क्या परसेंटेज रहती है। 1 सेकेंड दोस्तों, तो एक तो जो सेगमेंट है ना ए सेगमेंट, इसमें वॉल्यूम प्लेयर जैसे हम मानते हैं मारुति को, तो ए सेगमेंट वॉल्यूम अभी प्लेयर या ए सेगमेंट जो है वॉल्यूम गेम इसकी नहीं रही उतनी जितनी हम सोचते हैं। मैं लिटरली ये सोचता था कि इको या ऑल्टो, एस्प्रेसो जैसी गाड़ियों के कारण मारुति के पास 40%+ शेयर है, जो 2 साल पहले तक 50+ था, बट दैट्स नॉट द केस एनी मोर। अभी एक तो लोग बहुत फ्लेक्सिबल हो गए हैं, उसके कुछ रीज़न ये हैं कि फर्स्ट टाइम बायर्स थोड़ी अच्छी गाड़ी लेना प्रेफर करते हैं, मारुति के स्टेबल से ही वो कोशिश करते हैं कि बेलिनो का बेस वेरिएंट ले लिया जाए, स्विफ्ट ले ली जाए, सिलेरियो ले ली जाए, वैगनर ले ली जाए इंस्टेड ऑफ ऑल्टो, एस्प्रेसो, क्योंकि ये गाड़ियाँ 3 लाख 3.5 लाख से शुरू होकर 5-5.5 तक जाती हैं। बट देखिए, मैं इन गाड़ियों की और मारुति सुजुकी की इस मामले में बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि जो 2-व्हीलर चलाने वाले हैं अगर वो गाड़ी का लेने का सोचते हैं और अगर वो फैमिली में 30-35 हज़ार कमा रहे हैं तो वो किस्तों पे, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बड़ा जेन्युइन रहा है इतने सालों में 7.5% के आसपास या 8% के आसपास प्राइवेट बैंक्स में, तो होता क्या है ये 5,000 की किस्त में आप 3 लाख लोन लेके गाड़ी ले सकते हो। अगर आपके पास डाउन पेमेंट ज़्यादा नहीं भी है करने को, 50-60 हज़ार आप करके अपनी गाड़ी लेके आ सकते हो, 5,000 की आपने किस्त जो है अपने पाल ली, और फिर आपके पेट्रोल जो है माइलेज भी अच्छी देती हैं ये गाड़ियाँ, जो कि इनकी सेकेंडरी एडवांटेज है। लाइट वेट गाड़ियाँ हैं, 800 सीसी 1000 सीसी का इंजन होगा, फ्यूल एफिशिएंट होती हैं गाड़ियाँ, शहर में बहुत किफ़ायती रहती हैं, और स्कूटर से ना केवल आपको सेफ्टी मिलती है, आप फैमिली के साथ आ जा भी सकते हैं बड़ी सुविधाजनक तरीके से। तो आरसी भार्गवा जी ने जो बात कही है मैं उनसे सहमत हूँ, क्योंकि अगर देखिए ए सेगमेंट में प्लेयर्स हैं कौन, सेंट्रो बंद हो गई अभी रिसेंटली, और क्विड है, क्विड काफ़ी अच्छी गाड़ी है बट क्विड गाड़ी ऑल्टो से एक्सपेंसिव है, बट बाकी प्लेयर्स देखिए इस चीज़ में है ही नहीं, ना टाटा है, टाटा की सीधी B1 सेगमेंट की गाड़ी है टियागो, फिर B2 में आ जाती है हैचबैक, और ना जो है कोई यूरोपियन प्लेयर जिसमें रेनॉल्ट को छोड़ के स्कॉडा फॉक्सवैगन की कोई गाड़ी ए सेगमेंट में नहीं है, और निसान की भी नहीं है, महिंद्रा की भी नहीं है, तो एकमात्र प्लेयर जो है वो बड़े प्लेयर आप मारुति को मान सकते हो, जो एक आम जन जिसकी कमाई ठीक ठाक है उनको गाड़ी प्रोवाइड कर रहे हैं 2 एयरबैग्स के साथ। बिल्ड या सेफ्टी अगर मैं स्कूटर या किसी भी 2-व्हीलर या 3-व्हीलर से कंपेयर करूं तो कार में उनकी बेटर है। 2 एयरबैग्स आपको जो है टॉप वेरिएंट्स में मिलते हैं, सिंगल एयरबैग आई बिलीव छोटे वेरिएंट्स में मिलता है, तो
शहर में देखिए स्कूटर पे अगर कोई पीछे से आपको ठोकता है तो सर पे चोट लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। कार में एटलीस्ट आप अंदर ही हैं उसके, तो बच जाएंगे आप बेसिकली ऑन लो स्पीड एक्सीडेंट्स। तो इसमें बिल्ड वाला जो है ना फैक्टर, वो आपको निकाल देना चाहिए, बिकॉज या तो हमें कोई दिखाए 3.5 लाख में गाड़ी बना के कैसे बन सकती है जो आपको 4-5 स्टार सेफ्टी प्रदान करे, जिसमें आप अगर हाई स्पीड एक्सीडेंट्स में भी सेफ हो जाए, या तो हमें कोई एग्जाम्पल हो हमारे सामने, जैसे टियागो है एक एग्जाम्पल जो B1 सेगमेंट में सबसे अच्छी सेफ गाड़ी है 4 स्टार्स वाली, वो तो देखिए फिर हम कहते भी हैं कि आप ये गाड़ी छोड़ के आप ये गाड़ी लें। ए सेगमेंट में RC भार्गवा कह रहे हैं कि 60,000 कॉस्ट एक तो बढ़ जाएगी सिर्फ एयरबैग्स के कारण, अगर 4 एयरबैग्स एक्स्ट्रा देंगे वो। और उनका कहना है कि जो इनके प्लेटफॉर्म्स है गाड़ियों के, छोटी गाड़ियों के, ये उस तरीके से नहीं बनाए गए कि इसमें 6 एयरबैग्स दिए जा सकें। वो कह रहे हैं कि जो कर्टन एयरबैग है दैट इज़ वेरी चैलेंजिंग टू बी प्रोवाइडेड इन एस्प्रेसो एंड ऑल्टो, उस तरीके से प्लेटफॉर्म्स नहीं बनाए गए। तो अगर वो प्लेटफॉर्म में चेंजेस करेंगे तो उसमें भी R&D की कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, और फिर प्रोडक्शन पे टेस्टिंग, अगेन थोड़ा सा डिले भी हो सकता है, आपको गाड़ी कब मिले 6 एयरबैग्स वाली। तो हो सकता है बैक एंड पे कर रही हो मारुति, क्योंकि जितनी भी सेल्स हैं 28,000 के आसपास पर मंथ वो है मारुति की ही, क्विड की इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट अपनी जाने देंगे, बिकॉज इस मार्केट में अभी सेंट्रो भी चली गई है, हालांकि मैं मानता हूँ कि वो B1 सेगमेंट की गाड़ी होनी चाहिए वैगनार के टक्कर की। तो RC भार्गवा कहीं ना कहीं जो शिकायत कर रहे हैं वो ठीक है, और मेरा भी ये मानना है कि कुछ बजट सरकार बता दे कि 5 लाख से नीचे अगर प्राइस्ड है गाड़ी, उस पर जैसे सेस भी कम लगती है, तो अगर 800 सीसी वाली कोई गाड़ी है उसमें आप 2 एयरबैग्स दे दें, क्योंकि उस गाड़ी का जो मकसद है वो है 2 व्हीलर से 4 व्हीलर पे लेके आना, और दूसरा माइलेज। तो ये दोनों फैक्टर जो हैं वो कहीं ना कहीं हर्ट होंगे, क्योंकि प्लेटफॉर्म अगर इसका हैवी कर दिया तो माइलेज कम हो जाएगी, और दूसरा जो 2 व्हीलर से आना चाहते हैं गाड़ी वाले सेगमेंट में, वो शायद उनका डिसीज़न डिले हो जाएगा। हालांकि ये चीज़ भी हमें कंसीडर करनी चाहिए कि B1, B2 सेगमेंट की गाड़ियां भी फिर उतनी महंगी हो जाएंगी, क्योंकि उनको भी देखिए अगर 60,000 लगते हैं एयरबैग्स डालने में तो वो भी लगेंगे। तो यही था दोस्तों, मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि हो सकता है कि हमें बहुत जल्द ये गाड़ियाँ ऑल्टो या एस्प्रेसो जैसी देखने में ना मिले, जो कि एक थोड़ा सा शॉकिंग हो सकता है आम जन के लिए जो गाड़ी पहली गाड़ी लेना चाहते हैं। तो अभी मुझे लगता है अगेन कुछ बीच का रास्ता निकले। मैंने पहले भी एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने कहा था कि 6 की जगह 4 आप कर दीजिए, ये जो स्टमक एरिया है, अबडोमन एरिया, इसको आप बेशक ये एयरबैग्स ना अनिवार्य करें, छोटे वेरिएंट्स में आप हमें कर्टन एयरबैग्स दे दें। कहना आसान है, जो गाड़ियां बनाते हैं रिसर्च करके उन पे कितना उनकी कॉस्ट आती है वो उनको ही पता होगा। तो विल सी हाउ इट गोस, मुझे लगा आपके साथ शेयर की जाए ये इन्फॉर्मेशन। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? मैं जो सोचता हूँ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। मुझे लगता है कि ये गाड़ियां कंटिन्यू करनी चाहिए, बिकॉज इसका जो टारगेट कस्टमर है ना वो 2 व्हीलर वाला है, और मुझे ऐसा लगता है कि उनके बारे में सोचना चाहिए कुछ। बताइए दोस्तों आप क्या सोचते हो।